नहीं कुछ हो करके पक पे नहीं करता रख हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो ये ना मेरी वही ससुराल वाली ब्लॉग की ही है, नेक्स्ट डे की ब्लॉग है। और अभी ना मॉर्निंग समय हो रही है तो रियांस को लेकर के मैं छत पे आई हुई हूँ। थोड़ा सा वीडियो मेरी लेट जा रही है क्योंकि अभी मैं इधर उधर बाहर में थी, इसी वजह से कभी ससुराल कभी मायके, तो इसके वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो वो सारी वीडियो मैं अभी धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी का सपोर्ट और प्यार ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग मॉर्निंग के समय में मैं और रियांश दोनों ही छत पे गए थे। हम दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। मैं हमेशा मॉर्निंग में छत पे जाती हूँ या फिर अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं बाहर निकलती हूँ। तो मॉर्निंग मॉर्निंग के समय ना बहुत ही अच्छी होती है, उस वक्त की व्यू बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी जो इन्वायरमेंट होती है, जो हवा होती है बहुत ही अच्छी होती है। सुबह के समय में बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी को भी इन्जॉय करती होंगी मॉर्निंग की समय को। तो फिर मैंने मॉर्निंग के बाद ना ब्रश वगैरह करके यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, जो लंबे लंबे से दिख रहे हैं ना, ये फल है, खाने वाले फल है। ये एक तरह का सेम है, पता नहीं, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम देखे। अगर आप सभी ने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना वो क्या है और उसे क्या कहते हैं, कैसे बनता है, वो सारी कुछ भी मैं नहीं जानती। बस बगान में फला हुआ था तो वो लेकर के आई हैं मेरी जो सास है। और यहाँ पे मैंने हम लोग सब मिलकर के बीन, गोभी, सीम, ये सारे और जो स्वीट कॉर्न है, ये सारी चीज़ें को हम लोग अभी यहाँ पे बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गोभी वगैरह मैं यहाँ पे काट रही हूँ और बीन निकाल रही थी। तो साथ में जो ये देवर हैं वो भी आ गए हैं और बीन निकाल रहे हैं और हम लोग सब ना बातें करते करते यहाँ पर बीन निकाल रहे थे। तो ऐसे ही ना समय बीत जाती है। अभी बस मॉर्निंग में हम लोग चाय वगैरह पी करके ही बैठे हुए हैं और अभी खाना बन रहा है। खाना गांव में ना सिर्फ खाना ही बनती है, मतलब नाश्ता वगैरह चीज़ें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग ना चाय, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। नहीं तो अक्सर यहाँ पे सभी के घरों में सीधा खाना ही बनता है। गाँव में हर सब के घर में ना खाना ही बनती होगी, इसी तरह से बस गांव में चलता है। तो हम लोग यहाँ पे बस बीन निकाल रहे हैं और इसकी अभी सब्जियाँ बनेगी अंदर में, देवरानी है वो बना रही है और हम लोग यहाँ पे उसकी मदद कर रहे हैं। तो हम लोग ना सब्जियां काट लिए थे हम लोग, उसके बाद ना जितने भी जो कचड़े हो गए थे, प्याज व्याज के छिलके, बीन वगैरह के छिलके, वो सारे मैं यहाँ पे, वैसे मॉर्निंग में सब झाड़ू वगैरह हो चुका था लेकिन फिर जो मैंने गंदगी फैलाई थी वो सारी चीज़ों को मैं साफ़ कर रही थी। नहीं तो जो हवा चलती ना इधर आंगन की तरफ से, जो हवा आती उससे उड़ के पूरे आंगन में फैल जाता है। इसलिए मैं उसी वक्त जब भी मैं करती हूँ, बीन वगैरह निकालती हूँ या फिर सब्जी काटती हूँ, उसी वक्त इसे हटा देती हूँ। मैंने उठा के, उधर बगान है तो बगान में ही उधर मैं फेंकने के लिए चली गई हूँ। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। फिर मैं ना शाम में अपनी मायके पहुँच गई थी, शाम में मायके में चली गई थी तो वहाँ की ये वीडियो है। अभी सब लोग भीड़ जमे हैं, मतलब घर में जितने भी फैमिली है, जितने भी मेंबर्स हैं जो बाहर रहते हैं, वो सारे लोग जुटे हुए हैं क्योंकि दुर्गा पूजा है और यहाँ पर ना पूजा रखी हुई थी, इसलिए सब लोग जुटे हुए हैं। और यहाँ पर ना
हम लोग खाना वगैरह खा करके मैं कुछ सामान वगैरह सरिया रही थी, बेड सब ठीक कर रही थी ताकि बच्चों लोगों को मैं सुला सकूँ, और फिर सारी जो मैंने बैग वगैरह लेके आया था ना वो अरेंज कर रही थी ताकि और लोग भी आएँ तो उन लोगों को भी जगह मिल सके। तो साथ में किट्टू और दिव्यांशी भी खेल रहे थे, यहाँ पे उसकी मौसी का पांडा है तो वो मैं उन लोगों को दिखा रही हूँ। ये सब मस्ती में लगे हुए थे, ये लोग नानी घर गए थे तो पूरी मस्ती कर रहे थे इधर से उधर। मैं अभी बेड ठीक कर दे रही हूँ तो जितने टेडी बियर्स ये सब थे ना वो सब मैं हटा रही थी और बेड ठीक करके बच्चों को सुलाऊंगी। एक तरफ खटिया लगा हुआ है, एक तरफ बेड है तो उसी में हम लोग सबको एडजस्ट करना है। और भी लोग हैं जो लोग की छत की तरफ गए हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग बस आते ही रहेगा। आप सब प्लीज़ वॉच कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये ब्लॉग कैसी लगती है। और ये जो होम टूर है ना, इसकी भी होम टूर है, मेरी मायके होम टूर है तो आप सभी ज़रूर देखना मायके होम टूर को। मैंने बहुत पहले ही डाला था, एक साल हो गया है लगभग उस वीडियो को डाले हुए, तो मैं लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप सब देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी। यहाँ ना गद्दा रखा हुआ था वो सब मैं मोड़ रही हूँ और बेड को झाड़ के बच्चों को सुला दूंगी क्योंकि अभी रात की समय हो गई है और बच्चे लोगों ने सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। अभी हम लोग आए थे, उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद सबसे मिलजुल के बातें शातें करने के बाद खाना सब हम लोग खा लिए हैं, उसके बाद की ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम रात में हम लोग रात में या बोलिए शाम में हम लोग 7 बजे करीब पहुँच चुके थे वहाँ पे। तो चलिए और सब की जो व्यवस्था है मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप सबको पता चलेगा। तो ये छत के ऊपर में जो है ना वहाँ पर भी रूम बने हुए हैं तो वहाँ पे भी देखिए कुछ गद्दे वगैरह लगा गए हैं, नीचे एक खटिया चरपाई जिसे बोलते हैं वो डाला गया है। तो जितने भी लोग आए हुए हैं ना उन सब की सोने की व्यवस्था की गई है, घर में पूजा है इसलिए सब लोग आए हुए हैं जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। और यहाँ पे ये ना पुआल रखा हुआ है, एक और रूम है ये वाली भाई की रूम है तो यहाँ पे मेरी बहन बैठी हुई है, वहाँ भी मैं गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ एक बार। बाकी तो इसकी होम टूर वीडियो डली हुई है, सब देख सकते हैं। तो ये ना वही सारी चीज़ें मैं बस आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप सभी को प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे ब्लॉग में मॉर्निंग से, तो फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।